नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के एडवाइजरी बोर्ड ने आजीवन सदस्य अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के ट्रस्टी माननीय गंगा शरण गुप्ता को वैश्य समान दिल्ली के नियुक्त करने पर वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के एडवाइजरी बोर्ड के अलावा वैश्य व्यापार टीम के सभी सदस्यों ने हार्दिक बधाई और स्वागत किया है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने नए पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित वीपीएटी मशीन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा कि मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जो जानकारियां दी जा रही हैं, उन्हें गंभीरता से देखें और सुने। जहां भी कोई बात समझ में न आए, उन्हें कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस मौके पर एडिशनल एसपी कुशवाहा विशेष रूप से मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने कहा कि मतदाता प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए की गई है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न थानों और चौकियों के प्रभारी और एसडीओ पुलिस तथा टीआई मौजूद रहे। दमोह स्थानीय मानस भवन में दमोह आइडल व गणेश फैंस क्लब के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी एक शाम पुलिस के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से दमोह के लोकप्रिय सांसद प्रहलाद पटेल और संजय त्रिवेदी, विद्यासागर पांडे, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे, सुनील गौतम सहित शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय पूरन लाल अग्रवाल के परिवार के साथ साथ शहर में हुई अपूर्ण क्षति के विभिन्न संप्रदाय के लोगों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। गया संवाद समिति विष्णुपद मंदिर गया में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा की अध्यक्षता में पितृपक्ष मेला की तैयारी को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारी और संवाद सदन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक में उन्होंने संवाद सदन समिति के सदस्यों को मेले से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए। चित्रा मुद्गल की खबर के अनुसार केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अलवर जिला दिल खोल कर साथ खड़ा है। यहाँ मीडिया कर्मियों ने अलवर स्टैंड्स फॉर केरला नाम से प्रोग्राम किया, जिसमें सभी संस्थानों, उद्योगपतियों, अस्पतालों और इच्छुक लोगों से धनराशि, खाद्य सामग्री, दवाइयां आदि इकट्ठा करके मुख्यमंत्री राहत कोष में भिजवाए गए। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय की बहनों ने थाना परिसर भुआ बिछिया जिला मंडला मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन उत्सव मनाया। इस शुभ अवसर पर राजेंद्र साहू, दिलहरण राय, अरुण मिश्रा, मंडी अध्यक्ष सुनील नामदेव, लिखी राम परस्ते, अशोक नानकानी, शशिकांत श्रीवास्तव, सोनल अग्रवाल, विद्यालय शिक्षक परिवार और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। चारा घोटाले से जुड़े मामले में सजा काट रहे राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रांची की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। आपको बता दें कि लालू 10 मई को अपने बेटे तेज प्रताप यादव की शादी के लिए बाहर आए थे, जिसके बाद अब करीब 110 दिन के बाद वो जेल लौटे हैं। अब उन्हें रिम्स अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। सरेंडर करने से पहले लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो उसका पालन करेंगे। सितंबर महीने की पहली तारीख से आपको कार और बाइक खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। ये बढ़ोतरी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि वो वाहन खरीदारों को लंबी अवधि के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दे। ये इंश्योरेंस 1 सितंबर को और इसके बाद खरीदे जाने वाले सभी वाहनों के लिए अनिवार्य होगा। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में वकील, पत्रकार, लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र पुलिस विपक्षी दलों की ही नहीं अदालत के सवालों के घेरे में भी आ गई है। गिरफ्तारी को विरोध कर रहे लोगों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू हुई तो पुलिस गिरफ्तारी के कारणों को गिनाने में ही नाकाम रही। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के वकीलों से पूछा कि घटना के 9 महीनों के बाद अचानक गिरफ्तारी की वजह क्या है। इसका कोई भी सटीक जवाब महाराष्ट्र के वकील नहीं दे पाए। सब जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के बेहतरीन डांसर्स में से एक हैं। टाइगर के इस टैलेंट की वजह से उनके फैंस सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। अब टाइगर ने वर्ल्ड फेमस पॉप सिंगर माइकल जैक्सन की बर्थ एनिवर्सरी पर उनके गाने पर उनका डांस करके ट्रिब्यूट दिया है। टाइगर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो की अब तक 7 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। टाइगर अपनी फिटनेस की वजह से सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।